एक्सपर्ट रिकी। फ्रेंड्स, हम डीसी मोटर का एक शाफ्ट कनेक्टर बनाएंगे। दोस्तों, शाफ्ट कनेक्टर बनाने के लिए हमें जो साइकिल के वाल होते हैं, हमें दोस्तों उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये तीनों वाल मेरे को साइकिल शॉप से 10 रुपये में मिल गए। तो हमें दोस्तों इनकी जो अंदर वाली वाशल है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। दो वाशल की दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक ऊपर लगाने के लिए, एक नीचे लगाने के लिए। तो मैं दूसरे वाले वाल का भी वाशल बाहर निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, ये दोनों वाशल हम इसमें लगाएंगे। तो पहले हम इसमें लगा लेते हैं, ऊपर दिखाता हूँ आपको मैं किस तरीके से ये हमारी वाशल लगेंगी। पहले हम इसके ऊपर हमारा जो नट है इसको चढ़ा लेंगे। दोस्तों, आप जितना भी ऊपर और नीचे रख सकते हो, जहाँ तक आपने ग्राइंडर का ब्लेड रखना है उसके ऊपर। दोस्तों, लगाने के बाद बोल्ट को, नट को, हम उसके ऊपर वाशल लगा देंगे इस तरीके से, और दूसरी वाशल जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगी, और उसके ऊपर हम इस तरीके से हमारा जो नट है उसको लगा देंगे। इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे। और दोस्तों, मोटर की शाफ्ट अभी भी पतली है, तो ये थोड़ा हमें टाइट करना पड़ेगा इसमें शाफ्ट को। दोस्तों, टाइट करने के लिए जो अंदर से हमने एक छोटा वाल निकाला था, उसकी रबड़ का इस्तेमाल करेंगे मोटर की शाफ्ट के ऊपर। दोस्तों, हम इसकी रबड़ को इस तरीके से चढ़ा लेंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसके ऊपर ये चढ़ा लिया है, तो अभी भी हमारा हल्का सा थोड़ा ढीला है, तो इसको टाइट करने के लिए हम पेपर वाली जो टेप होती है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम पहले इसके ऊपर टेप लगा लेते हैं। आप इसकी जगह दोस्तों धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टेप है तो टेप लगा लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से हम अभी इस पर टेम्परेली हम टेप लगा रहे हैं, बाद में हम इसको फेविक्विक डाल के अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देंगे। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये प्रॉपर इसमें फ़िट हो रहा है, तो इसका जो साइज है बिल्कुल अभी फ़िट हो गया, तो हम इसको ठोक के इसके अंदर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर अभी ये सेट है, तो इसमें हम फेविक्विक डाल देंगे। दोस्तों, अपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फेविक्विक मोटर के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी मोटर ख़राब हो जाएगी। आपने ध्यान से दोस्तों इसको करना है। तो हम पहले इसका ऊपर वाला नट हम खोल लेते हैं, इसकी वाशल हम एक निकाल लेते हैं। दोस्तों, हम इस तरीके से इसके ऊपर जब हम ब्लेड डालेंगे, तो देखिए अभी इसका ब्लेड थोड़ा ढीला है, तो इसके लिए भी हम एक वाशल बनाएंगे। तो वाशल बनाने के लिए हम फ्रेंड एक पीवीसी शीट का इस्तेमाल करेंगे। शीट के अंदर दोस्तों हमें इसके जो वाल है इसी के साइज का होल करना है, तो होल करने के लिए हम वाल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के लिए आप लाइटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक तरीका दोस्तों इससे भी बढ़िया है, हम सोल्डिंग आयरन के अंदर इसको लगा के हम होल्डिंग आयरन को गर्म करके होल कर लेंगे। सोल्डिंग आयरन दोस्तों हमारा गर्म हो चुका है, तो हम अभी सोल्डिंग आयरन से देखिए इस तरीके से होल करेंगे। इससे दोस्तों हमारा एक और फ़ायदा है कि हमारा होल बिल्कुल हमारे जो इसकी वाल है इसके साइज का ही होगा। अब देखिए इस तरीके से हम इसमें होल कर रहे हैं। आप इसको दोस्तों गैस के ऊपर भी गर्म कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो दोस्तों यही है कि हम इसको सोल्डिंग आयरन के अंदर ही डाल के इसके साइज को होल कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप गैस के ऊपर या लाइटर से गर्म कर लेना। तो अभी देखिए इसका साइज जो है बिल्कुल प्रॉपर इसी के साइज का हो गया, हमारे वाल के साइज का। तो दोस्तों हम इसके ऊपर अभी मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग दोस्तों हमें आइडिया से ही कर लेनी है, थोड़ा सा सेंटर ही निकालना है, कोई ज़्यादा सेंटर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कर सकते हो उतना कर लो। ये हमने इसलिए लगाया है कि इससे हम थोड़ा बड़ा हम साइज काटेंगे, बाद में हम इसको घुमा के इसका सेंटर निकाल लेंगे। हम इसको पहले कट कर लेते हैं। इससे दोस्तों हमें थोड़ा होल से बड़ा ही काट करना है, इसलिए मैंने मार्किंग करी है। इसके चारों कोनों को हम काट लेते हैं। काटने के बाद हम इसको हमारी शावर में लगा लेते हैं। शावर में लगाने के बाद इसका बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों मैं मोटर को चला रहा हूँ। मोटर चलाने के लिए दोस्तों मैं 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1.5 एम्पीयर का ये डॉक्टर है। इस तरीके से दोस्तों हमें घुमा के इसको मोटर को अच्छे तरीके से हम कटिंग व्हील के अंदर की वाशल बना लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले जो एक मैंने शाफ्ट कनेक्टर की वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था और बहुत अच्छे उस पर व्यू भी आए थे। उसके लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे आँख फूट जाएगी, टांग कट जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डीसी मोटर है दोस्तों। असली वाला जो ग्राइंडर होता है बड़ा वाला, उससे तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर दोस्तों आपको फिर भी इससे डर लगता है तो आप इसका सेफ्टी गार्ड बना सकते हो जब आप इसका ग्राइंडर बनाओगे। फ्रेंड्स, हम इसको रोक के अभी चेक कर लेते हैं, हमारा साइज कहीं छोटा ना हो जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल हमें इसका 00 साइज दोस्तों बनाना है, कि हमें बिल्कुल भी इसका प्ले ना मिले अंदर। देखिए दोस्तों, इसका भी बिल्कुल परफेक्ट इसका साइज बन चुका, तो इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल दोस्तों 00 साइज है।
हम इसको दोस्तों अभी बाहर निकाल लेते हैं, इसकी जो वाशल हमने बनाई है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका पहले बोल्ट खोल के इसको बाहर निकाल के हम इसके अंदर पहले एक वाशल डाल लेते हैं, दूसरी लोहे वाली। अभी देखिए दोस्तों, अब आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, ये जो हमने वाशल बनाई है ये थोड़ी सी मोटी है, तो इसको हमें थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। देखिए हम इसके ऊपर जब मैं ये वाला व्हील लगा रहा हूँ तो हमें इसको व्हील के साइज़ की ही इसकी थिकनेस करनी है। देखिए इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी है तो हम इसको भी पतली करेंगे। तो इसको दोस्तों मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, इसको पहले हम सैंड पेपर के ऊपर घिस के हम इसको पतली कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वाशर को हमने बिल्कुल पतला बना लिया। तो अब चलिए इसमें हम अपना जो व्हील है इसको डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब बिल्कुल ये व्हील हम डाल रहे हैं, बिल्कुल इसमें व्हील बिल्कुल प्रॉपर साइज़ है व्हील का। अब बिल्कुल भी इसमें दोस्तों प्ले नहीं है, तो इसकी हम दोनों वाली ऊपर नीचे की वाशल इसमें लगा रखी है, तो इसको हम पहले टाइट कर लेते हैं। इसको दोस्तों अच्छे तरीके से हमें टाइट करना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं रहना चाहिए। हम इसको प्लास की हेल्प से भी दोस्तों टाइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से अभी टाइट कर लिया। फ्रेंड्स हम अपनी मर्जी के हिसाब से ब्लेड को ऊपर और नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। इससे हम मेटल शीट काट लेते हैं, पहले काट के देखते हैं। फ्रेंड्स जो इससे चिंगारी निकलती हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होती। ये गर्म चिंगारी दोस्तों नहीं होती, ये नॉर्मल होती है। जो भाई लोग ग्राइंडर का काम करते हैं उनको ये चीज़ का पता होगा। आपको घबराने की दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये चिंगारी से हमें कुछ नहीं होता। और हमारा जो दोस्तों शाफ्ट कनेक्टर है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी दोस्तों अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।